दोस्तों आज बना रही हूँ मैं नाश्ते में पास्ता बना रही हूँ। पास्ते के लिए मैंने शिमला मिर्च और टमाटर काट लिया है। पास्ते को मैंने उबाल लिया है। देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाऊंगी। मैं तेल में बनाती हूँ, घी का अच्छा नहीं लगता है लोगों को। तेल में बना रही हूँ मैं। जीरा डाल दिया है मैंने और ये शिमला मिर्च है। टमाटर शिमला मिर्च को भून लूंगी। तो आज मैंने बनाई है दाल और मीठी लौंजी और मैंगो शेक। सुबह नाश्ते में पास्ता बनाया था, फिर खाना बना लिया। अब खाना बन चुका है मेरा और अब मैं ग्रोसरी को देखूंगी, ग्रोसरी कितनी पड़ी है कितनी नहीं पड़ी है। काम मैंने ही अपने हाथ में ले रखे हैं, इसलिए मैं ही करती हूँ, मैं ही चेक करती हूँ सामान को सारा और उसके बाद सेट कर देती हूँ सामान को सारा। आज कुछ ग्रॉसरी चेक करने आ गई। ये डब्बे सारे खाली हो गए थे जो डेली यूज करती हूँ, तो मैंने सोचा देखती हूँ। तो जिस स्टील की जो टंकी है उसमें मैं सामान रखती हूँ, उसमें बहुत सा सामान निकल गया। तो ये दालों के पैकेट वगैरह सब निकले हैं, तो इनको चेक किया आज और अब मैं भर रही हूँ इनको। तो बहुत सा सामान इसमें निकल गया। अच्छा, कई सामान ऐसा था जैसे लग रहा था कि ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, लेकिन इसमें सारा निकल गया सामान। जैसे आलू के चिप्स हमने सोचा था कि नहीं है, दालें नहीं है, लेकिन दालें भी निकल गई, आलू के चिप्स निकल गए, मुरमुरे वगैरह सारे पड़े हैं, चने का पैकेट पड़ा है, छोले का पैकेट पड़ा है। ऐसे करके अभी भिगोए मैंने कुछ, तो शाम को बनाऊंगी छोले। तो ऐसे करके थोड़ा 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 सामान निकल गया। तो एक बार किचन में आकर चेक करती हूँ तो सारा पता लग जाता है क्या है और क्या नहीं है। तो वापस डब्बे भर गए मेरे, ये अभी खाली हो गए थे। अरहर की दाल वगैरह सारी पड़ी थी। होली के बाद मैंने चेक नहीं की रसोई को, तो काफी सामान मैंने सोचा खत्म हो गया, लेकिन पड़ा है बहुत सारा। तो आप भी जब भी अपना अगले महीने का ग्रोसरी का सामान मंगाएं तो पहले चेक करें कि क्या क्या सामान आपके पास रखा है। वैसे तो 15 दिन हुए इस महीने, लेकिन त्योहार बहुत आ गए तो बहुत सा सामान खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा आज चेक करती हूँ, तो चेक किया तो बहुत सा सामान इसमें निकला।
तो इस तरह से पैसे की बचत भी हो जाती है। पहले चेक कर ले कि क्या सामान आपके पास है और क्या नहीं है। तो ये देखिए फिर चने का डब्बा भी भर गया। अभी जैसे हल्दी है, हल्दी का पैकेट भी पड़ा है मेरे पास, सारे पैकेट रखे हैं। ये देखिए अमचूर का पैकेट भी पड़ा है। बहुत से ऐसा बहुत सा सामान रखा है जो मैंने सोचा था खत्म हो गया। जो डेली के डब्बे होते हैं, डेली यूज के, उसमें अलग भरती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं इस टंकी में भर के रखती हूँ। दिखाती हूँ, देखिए इसमें से मैंने बहुत सा सामान अभी निकाला है। मैं इसमें डाल देती हूँ एक्स्ट्रा सामान, और इतना सारा सामान ये देखिए निकला है ग्रोसरी का भी, और ये डब्बे वापस भर गए हैं मेरे। अभी एक ऐसा स्टोर का, चाहे तो टंकी बना लें, चाहे कोई बड़ा डब्बा बना लें, जिसमें आप अपनी ग्रोसरी, बची हुई ग्रोसरी को इकट्ठी करती जाए। थोड़ी 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 इकट्ठी हो जाती है, तो कई बार जब हम सामान नहीं मंगा पाते हैं तो वो काम आती है। तो ऐसा स्टोर करने का एक डब्बा जरूर बनाइए। तो देखिए मेरे सारे डब्बे वापस भर गए, और मैं सोच रही थी कि मेरा सारा सामान खत्म हो गया है। तो जितना भी अभी 15 दिन के लिए ये सामान मेरे काफी है वापस। मेरे चावल वगैरह के डब्बे मैंने सब भर दिए, इनमें भी चावल वगैरह सब निकल गए। और ये तेल है जो मैं स्टोर करके रखती हूँ, जैसे पूड़ियाँ बनाई, और भी अभी त्योहार था तो बहुत सा सामान हमारे घर में बना, तो जो भी कढ़ाई में तेल बचता है उसे किसी डब्बे में रख दें, इसे छान लें। अभी मैंने छाना नहीं है, इसे छान कर आप काम ले सकती हैं, तो ये भी आपके काम आ सकता है। इस तरह से मेरे काफी सामान जो बच गया और काफी काम आएगा। मेरी चिंता थी वो भी मिट गई। मुझे चिंता हो रही थी कि सब सामान 15 दिन में ही खत्म हो गया है, तो वो नहीं हुआ। उसे मैंने देखा, चेक किया, सब सामान निकल गया। तो हर गृहिणी को यही करना चाहिए कि पहले सारा सामान किचन का चेक करे कि क्या है क्या नहीं है, फिर टेंशन मोल ले। इसी तरह पानी का भी स्टोर रखे है। मेरे अभी बहुत दिक्कत हुई कि मेरा आरओ खराब हो गया और बहुत परेशानी हुई। पानी था ही नहीं, एक्स्ट्रा पानी बस आरओ से पी लेते थे लेके बोतल भर के, तो आरओ खराब हो गया। आरओ खराब हुआ उस दिन मुझे पता लगा कि कुछ पानी स्टोर करके रखना चाहिए। तो फिर मैं ये वाली मटकी लेकर आई, ये वाली मटकी, और ये जो पानी की गंदगी है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, सारा गंदगी को। इस कारण मैं ये मटकी लेकर आई और इसको भर के रखती हूँ, और एक केन भर के रखती हूँ पानी का। इसको भी अब आरओ से भर लेती हूँ। हालांकि आरओ मैंने ठीक करवा लिया, लेकिन उस दिन जब दिक्कत हुई तो बहुत परेशानी हुई। इसलिए पानी का स्टोर भी आप हमेशा रखें, साफ पानी का स्टोर। तो इस तरह सारी सफाई भी हो गई और मेरे डब्बे भी वापस भर गए और काम मेरा हो गया सारा। तो दोस्तों, इस तरह का एक स्टोर बर्तन जरूर बनाइए, जिसमें आप ग्रोसरी का बचा हुआ सामान रख सके और बुरे समय में आपके वो काम आ सके।